हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं उसे दूर करना चाहूंगा। पावना को हम लेकर नहीं आए हैं, वो खुद चली आई है। हम जानते हैं काका जी, छाछ लीजिए। पौना ने आपको बहुत दौड़ाया है शायद। पौना, तुम बहुत शरारती हो, अब जाओ इनके साथ। अरे ना से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। क्यों रघुराम? हाँ हाँ, तो लेके चलिए। चलो फिर। पिताजी और चाचा जी आ गए। आ गए दोनों? अब जरा मुझे वो लाठी तो देना। डंडा? लेकिन क्यों? पीटने के लिए। किसे, चाचू या पिताजी को? चल हट। अरे मैं तो मारूंगी उस गाय को। क्या नाम है उसका? पावना। हाँ, उस पावना गाय को छट्टी का दूध याद दिलाना है मुझे। लेकिन दादी, वो पावना तो आई ही नहीं। आई नहीं? क्या मतलब? माँ, पिताजी और चाचा जी के साथ गाय नहीं है। जल्दी से पेड़े मिठाई खिलाओ सरस्वती, जल्दी। अरे चाची, पहले आप बैठिए तो सही, अब बताइए किस बात की मिठाई। अब इतना भी अनजान मत बनो सरस्वती। बिल्ली अगर आंखें बंद करके भी दूध पी लेती है ना, तब भी दुनिया को पता चल जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं चाची? कैसे? लगता है भाग कर आई है। लेकिन जिन्होंने इसे खरीदा था, क्या उन्हें पता है? नमस्कार। नमस्ते। आप? पिताजी, इन्होंने ही पौना को खरीदा है। आइए श्रीमान जी, बैठिए। आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं उसे दूर करना चाहूंगा। पावना को हम लेकर नहीं आए हैं, वो खुद चली आई है। हम जानते हैं काका जी, छाछ लीजिए। पावना ने आपको बहुत दौड़ाया है शायद। पावना, तुम बहुत शरारती हो, अब जाओ इनके साथ। अरे ना से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। क्यों रघुराम? हाँ हाँ, तो लेके चलिए। चलो फिर। पति पत्नी की जोड़ी कहते हैं मालिक ऊपर बनाता है, लेकिन शादी नीचे धरती पर होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं,
एक बिना दूसरा अधूरा होता है। ये तो जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। चाहे दोनों दुनिया के अलग अलग कोने में क्यों ना हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों का मिलन अटल है। कभी कभी मालिक भी कमाल की जोड़ी बनाता है। मिसाल के तौर पर सुख दुख, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, उदय और अस्त, प्यार और नफरत, पति पत्नी के बीच आकर्षण भाव होता ही है। लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद है विश्वास। वो विश्वास ही है जो एक दूसरे के लिए मन में आदर पैदा करता है। आदर, विश्वास ही प्यार के अलग अलग रूप हैं। पति पत्नी की वजह से ही तो घर परिवार बनता है, और अलग परिवारों के समूह से समाज। सबका मालिक एक। माँ, दादी माँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, पिताजी और चाचा जी आ गए। आ गए दोनों? अब जरा मुझे वो लाठी तो देना। डंडा? लेकिन क्यों? पीटने के लिए। किसे, चाचू या पिताजी को? चल हट। अरे मैं तो मारूंगी उस गाय को। क्या नाम है उसका? पावना। हाँ, उस पावना गाय को छट्टी का दूध याद दिलाना है मुझे। लेकिन दादी, वो पावना तो आई ही नहीं। आई नहीं, क्या मतलब? माँ, पिताजी और चाचा जी के साथ गाय नहीं है। सदाशिव, गाय कहाँ है? वो क्या है माँ, वो गाय हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे लेकर नहीं आए। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमने उसके लिए 5,000 रुपए दिए थे। लेकिन वो गाय गई कहाँ? वहीं जहाँ पहले थी, जानकी के पास। चाचा चाचा। क्या? फिर आपको जानकी को भी लेके आना चाहिए था ना, मेरी चाची बनाकर, तो पावना भी उनके साथ आ जाती थी। इरादा तो मेरा भी यही है राजू, पर तुम्हारी दादी माँ है ना, ना बोल रही है, माँ को कौन समझाए। जल्दी से पेड़े मिठाई खिलाओ सरस्वती, जल्दी। अरे चाची, पहले आप बैठिए तो सही, अब बताइए किस बात की मिठाई। अब इतना भी अनजान मत बनो सरस्वती। बिल्ली अगर आंखें बंद करके भी दूध पी लेती है ना, तब भी दुनिया को पता चल जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं चाची? लो, अब मुझसे ही छुपा रहे हो तुम लोग। मैं ही तो रघुराम पाटिल का रिश्ता तुम्हारे लिए लाई थी, मैंने ही तो तुम्हारी शादी की बात चलाई थी। लेकिन अब इस बात का पेड़े मिठाई से क्या संबंध चाची, रिश्ता तो नहीं बनाना। नारायण राव, लगता है तुम भी अब इन दोनों के साथ मिल गए हो। अरे, मुर्गे को अगर छिपा कर भी रखोगे ना, तो उगता हुआ सूरज कभी उगना बंद नहीं करेगा। अरे भाई, मैंने अपनी आँखों से देखा है, रघुराम पाटिल अपने भाई के साथ तुम्हारे घर आया था। रघुराम पाटिल? हाँ हाँ, वही जो दोनों में छोटा था। तुम्हारा भाग्य तुम पर प्रसन्न हुआ है जानकी, उसकी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन लगता है रघुराम पाटिल ने तुमको खूब पसंद किया है, तभी तो आया था यहाँ। सरस्वती, मेरे तो कानों में शादी की शहनाई भी सुनाई देने लगी है। ये लो, पूरे 5,000। अब पावना हमारी हुई।
जब कुछ होना होता है महालसापति, तो वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। और बाबा, जब मालिक खुद साथ हो तो? तब इंसान का उद्धार होता है सगुण। लेकिन मालिक कब साथ में होता है बाबा? नूरबाजी, जो इंसान अपना फर्ज निभाता है, मालिक उसके साथ होता है। जो दिन रात मेहनत करता है, दूसरों को सुखी करने के लिए खुद दुख सहता है, जो अपने बड़ों की इज्जत करता है, दूसरों की कद्र करता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, मालिक उसके साथ होता है। और जो उस मालिक को पाने की लालसा रखता है, उसे पाने के लिए भजन करता है, भक्ति करता है, तपस्या करता है, मालिक उसके साथ होता है। नूरबाजी, इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है और उसकी जिंदगी में जो भी होता है उसका जिम्मेदार भी वो खुद ही होता है, लेकिन वो मालिक को जिम्मेदार ठहराता है। इंसान भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसका नसीब बनाते हैं और नसीब बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो कोशिश करता ही नहीं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। फिर वो मालिक को कैसे पाएगा? सबका मालिक एक। माँ, 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 मैं खेत पर जा रहा हूँ। दादी, चाचा जी के साथ मैं भी जाता हूँ। रुको रुको, जरा रुक जाओ। रोटियाँ बन रही है देवर जी। आओ, जब तक रोटियाँ बन रही हैं, तब तक तुम आओ मेरे पास बैठो, इन तस्वीरों को देखो। सब सुशील हैं, सुंदर हैं, अच्छे घर की हैं, संस्कारी हैं। आओ। जानकी भी अच्छे घर की है, सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है। अब तक उसे भूले नहीं? माँ, जो दिल में बस गई हो उसे कोई कैसे भूल सकता है। मैं उसे ही अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ माँ। मुझे दूसरी किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ, मेरी शादी जानकी से करा दीजिए माँ, नहीं तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, कवारा ही रह जाऊंगा उम्र भर। अंबिका, हमने आज तक अपने बच्चों की हर जिद पूरी की है, तो फिर आज हम उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? रघुराम चाहता है कि उसकी शादी जानकी से हो, तो हम कर देते हैं, क्यों? आप भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो भगवान में ही मन लगाइए। रघुराम को मैं संभाल लूंगी, कंवारा नहीं रहने दूंगी उसे। लेकिन लक्ष्मी की जगह उस दरिद्री जानकी को कभी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं, समझे? हे भगवान, अंबिका को सद्बुद्धि दो, मेरे सुखी परिवार में कड़वाहट मत आने दो भगवान। अपना आशीर्वाद सदा हमारे साथ रखना। जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, ओधित हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय गंगा, आयन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर मन जाने कोई, जो सहज कृपा माया।
भगवान का आशीर्वाद सदा अपनी संतान के साथ होता है। मालिक कभी शाप नहीं देता, कभी बद्दुआ नहीं देता, वो देता है तो सिर्फ दुआ। इंसान जो भी भुगतता है वो उसके किए गए अपने कर्मों का फल होता है। जब अच्छे दिन आते हैं तो इंसान समझता है कि ये उसने कमाए हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो वो मालिक को कोसता है। क्यों? वो ये क्यों भूल जाता है कि बुरे दिन उसके किए बुरे कर्मों का फल है। इंसान जब अहंकार के अधीन हो जाता है तो उसकी अच्छा बुरा समझने की शक्ति यानी विवेक उसका साथ छोड़ देता है। जहां अहंकार है वहां विवेक की जगह अविवेक ले लेता है, और जहां अविवेक है वहां अविचार आ जाता है जो अनर्थ को जन्म देता है। घर परिवार का जो कर्ता धर्ता होता है उसी पर घर परिवार का सुख दुख निर्भर होता है। उसका एक फैसला परिवार की आंखों में आंसू ला सकता है या परिवार के होठों पर मुस्कुराहट ला सकता है। इसलिए घर परिवार के कर्ता को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, ऐसा फैसला जो परिवार के हित में हो। उसे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि परिवार का कोई सदस्य उसे चुनौती दे रहा है। जब अहंकार मन में कुंडली मार कर बैठ जाता है तब इंसान केवल अपने ही मान सम्मान के बारे में सोचता है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने ऐसे शब्दों की जंजीरों में उसका मन बंदी बन जाता है, उसकी सोच रुक जाती है। वो समझता है कि जो वो कहता है वो पत्थर की लकीर है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होना चाहिए। यहीं से ही टकराव पैदा होता है, यहां से ही मन में कड़वाहट पैदा होनी शुरू होती है, यहीं से ही रिश्तों में दरार पैदा होने लगती है, और जब रिश्तों में दरार पैदा होती है तब परिवार टूटने लगता है, बिखरने लगता है, घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। जिस विश्वास प्यार ममता की बुनियाद पर घर बनाया जाता है वो बुनियाद ही हिल जाती है। इसलिए अहंकार के अधीन नहीं, उस निर्विकार के अधीन हो जाओ, ताकि कोई विकार तुम पर हावी ना हो और घर परिवार में कभी अशांति ना हो। सबका मालिक ही।